हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं मेरी तरह, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ धोनी की वो यादगार पारियाँ जिसे आप नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी तरह अगर आप भी धोनी के फ्रेंड हैं तो ज़रूर देखें धोनी की वो शानदार पारियाँ जिसमें धोनी ने अंत तक मैच को जारी रखा और अपने आप को नॉट आउट होते हुए एक शानदार टीम को जिताया है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स तो टॉप 10 बेस्ट इनिंग्स ऑफ धोनी जो कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे धोनी की वो यादगार पारियां। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जो नंबर 10 पर आती है वो आती है 45 रन नॉट आउट अगेंस्ट श्रीलंका। जी फ्रेंड्स 2013 की बात है, इंडियन श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल था जो कि जो होम टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में फाइनल था। तो फ्रेंड्स फाइनल जो था पोर्ट ऑफ स्पेन में था जहाँ खेला जा रहा था, तो जहाँ इंडिया को चेस करने थे 202 रन, इंडिया को ज़रूरत थी 15 रन की 6 बॉलों में, 9 विकेट हो चुके थे। फ्रेंड्स जैसे कि हम सबको पता है अगर माही क्रीज पे तो टेंशन की कोई बात नहीं, और माही ने वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही किया, सिर्फ शेष 2 बॉल रहते हुए उस मैच को ईजिली माही ने जिता दिया 2 बॉल रहते हुए। तो फ्रेंड्स ये है माही का मैजिक। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, आप चलते हैं अपनी 9वीं पारी पे। तो फ्रेंड्स जो हमारी 9वीं पारी है वो 92 नॉट आउट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2015 थी। फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की सीरीज थी, इसमें इंडिया 1-0 से लॉस में चल रही थी। तो जो दूसरा मैच था वो था इंडिया को जीतना था, वो मैच था इंदौर में। इंडिया 104 पे 5 हो चुकी थी, इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी, इंडिया को चाहिए था एक डिसेंट टारगेट। तो ऐसे में धोनी कम आए बैटिंग करने, और धोनी ने 92 रन की नॉकआउट पारी खेली जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उसकी बदौलत भारत 247 के स्कोर तक पहुंच गया 50 ओवर में, और 47 तक पहुंचा धोनी की बदौलत और वो मैच को जीत गया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जो है 44 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2012 में। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट सेट किया था 270 रन का, इंडिया की इनिंग जो थी 178 पे 4 हो चुके थे, और धोनी क्रीज पे आए। जैसा कि हम जानते हैं धोनी कूल एंड क्लेम रिलैक्स रहते हैं, धोनी ने ठीक वैसे ही किया, कूल एंड क्लेम रिलैक्स अंदाज में मैच को फिनिश किया। 2 बॉल रहते हुए धोनी ने मैच को इजीली जिता दिया। तो फ्रेंड्स ये है माही का मैजिक। अब चलते हैं नंबर 7 पारी पे, जो कि आप नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स धोनी की जो नंबर 7 पारी है वो 113 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान 2012 में। पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज खेल रहा था, और पहला मैच जो इंडिया हार चुकी थी चेन्नई में अपने ग्राउंड पे, और सेकंड मैच इंडिया को जीतना ही था। इंडिया की पहले बैटिंग आई थी और इंडिया 129 पे 5 हो गई थी, एंड कैप्टन कूल आए क्रीज पे और इंडिया को चाहिए था पूरा 50 ओवर करना, और माही ने ऐसे ही किया ठीक। ये माही का मैजिक। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो फ्रेंड्स जो नंबर 6 है वो है 139 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी फ्रेंड 139 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2013 में। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 7 मैच ओडीआई सीरीज थी, अपार्ट फ्रॉम टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद धोनी का मैन टेक इंडिया पास 300। धोनी आए और 300 के पार स्कोर को ले चके। धोनी ने 139 रन की पारी खेली सिर्फ 121 बॉल में, और इंडिया फिनिश 303 रन इन 50। और ये माही का मैजिक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है 107 अगेंस्ट श्रीलंका 2009। इंडिया बैटेड फर्स्ट, इंडिया की पहले बैटिंग आई थी फ्रेंड, 81 पे 3 हो चुके थे, एंड धोनी टुक पार्टनरशिप विद कोहली एंड सुरेश रैना, पुट ऑन द इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप टू टेक इंडिया 301-50 ओवर्स। फ्रेंड धोनी ने, जैसा हम सब जानते हैं धोनी माहिर है, शीर में कोहली के साथ और सुरेश रैना के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप करी, और टीम इंडिया को 301 रन के स्कोर तक पहुँचा दिया 50 ओवर में। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं धोनी की एक और यादगार पारी की तरफ, जो है 124 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2009 में। इंडिया 1-0 से हार चुका था, 7 मैच की सीरीज में लॉस्ट में चल रहा था। तो सेकंड मैच था नागपुर में, धोनी प्ले 124 रन इन 107 बॉल्स। फ्रेंड्स ये डेफिनेटली एक यादगार पारी हो सकती है, टेक इंडिया को जो है 354 रन ये ओवरऑल स्कोर पे ले चुका था 50 ओवर में। धोनी का करिश्मा है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड अब चलते हैं नंबर 3 पे, जो है 148 अगेंस्ट पाकिस्तान। ये पारी को तो शायद कोई ना जानता हो, ये पारी तो बहुत ही यादगार थी, 148
और ये तो हर किसी की फेवरेट होगी डेफिनेटली। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज थी, इंडिया प्लेइंग सेकंड ओडीआई खेली थी विशाखापट्टनम में आफ्टर तेंदुलकर वाज आउट। जब सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे धोनी कम टू क्रीज तो सबको याद होगा डेफिनेटली, मैं जानता हूँ फ्रेंड्स ये कोई भूल नहीं सकता। 148 रन धोनी ने यहाँ पे मारे थे 123 बॉलों में, इंडिया को 356 के स्कोर तक वो लेके गए थे। ये धोनी का मैजिक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नंबर टू की तरफ। तो फ्रेंड नंबर टू भी जैसे कि बहुत यादगार है, ये मेरी और आप में से कईयों की बहुत ही फेवरेट इनिंग्स होगी। तो फ्रेंड्स 183 नॉट आउट इन श्रीलंका 2005, इंडिया श्रीलंका ओडीआई सीरीज चल रही थी, इंडिया लीडिंग द सीरीज 2-0 से आगे चल रही थी। थर्ड मैच एट जयपुर में खेला जा रहा था, श्रीलंका स्कोर इन 298 रन, इंडिया कम टू क्रीज नंबर 3 एंड इंडिया वन द मैच। धोनी नंबर 3 पे आए थे और इंडिया को जिता के थे 183, तो शायद ही कोई भूला होगा फ्रेंड्स आज की डेट में। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। फ्रेंड्स ये भी मेरे जैसे जो क्रिकेट लवर्स होंगे उन्हें तो ये पारी डेफिनेटली याद होगी फ्रेंड्स। ये पारी तो शायद ही ऐसा कोई क्रिकेट लवर होगा जो कभी भूल पाएगा, 91 नॉट आउट अगेंस्ट श्रीलंका 2011 द वर्ल्ड कप फाइनल श्रीलंका वर्सेज इंडिया। धोनी कम एंड मैसिव नॉकआउट टू मैसिव एंड ऑल्सो मैसिव सिक्स इन लास्ट बॉल्स, ये पारी तो शायद ही कोई भूला होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।